हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस वैकेंसी के बारे में, और जिसका हमें इंतजार भी था बहुत दिनों से। और लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कह सकते हैं कि वैकेंसी बहुत कम आई है, और हम लोगों ने जो कहा था कि वैकेंसी जो खाली सीटें हैं दिल्ली पुलिस की लगभग 6000 के समथिंग सीटें खाली है, लेकिन इसके अगर जो अपेक्षा देखें तो वैकेंसी 10% सिर्फ वैकेंसी आई है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे वीडियो में, पूरा डिटेल जानेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे, और ये भी देखेंगे क्या आगे और वैकेंसी आने के चांस है, जो सीटें खाली क्या उनकी और वैकेंसी आएगी, तो इसके बारे में जानेंगे। एसआई का भी फॉर्म आ गया दिल्ली पुलिस एसआई में, वो जो एसआई वाली वैकेंसी वो सीपीओ के तहत भरी जा रही है। इससे पहले हम चाहेंगे कि अगर जो अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे सारे जो भी अपडेट्स होंगे आपको रेलवे या फिर दिल्ली पुलिस से रिलेटेड आपको यहां पे मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहेंगे, अगर जो आप घर बैठे आर्टिकल्स पढ़ के पैसा कमाना चाहते हैं या आप डेली करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से रोजधन एप्लीकेशन है रोजधन, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद उसमें नीचे आपको रेफरल कोड दिख रहा होगा एप्लीकेशन के लिंक के नीचे, जैसे ही आप रेफरल लिंक कोड डालेंगे आपको तुरंत डाउनलोड करते ही 50 मिलेंगे, रेफरल कोड डालते ही 50 और मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आप उसमें आर्टिकल्स पढ़ के भी ढेर सारे पैसे कमा, लगभग आप डेली 100-150 रुपये अर्निंग कर सकते हैं, जिसको आप पेटीएम के द्वारा अपने अकाउंट में भी ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट का है। ओपनिंग डेट की बात करें तो 1 तारीख से यानी फॉर्म भरे जाने हैं, तो यानी कि आपके जो सितंबर है वो खत्म होने वाले हैं, तो 1 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहां इसको दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से भी ले सकते हो। वेबसाइट कहां से, ऑफिशियल वेबसाइट dillipolice.nic.in। 30 तारीख यानी कि 1 महीने का टाइम दिया जाएगा आपको फॉर्म भरने के लिए। अब इसमें पोस्ट की बात करें तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, टोटल मेल की बात करें तो टोटल 372 पोस्ट है, 182 पोस्ट फीमेल के लिए, टोटल बात करें 554 पोस्ट है। और जो जनरल EWS OBC ये बांटे हैं, इसको आप देख लीजिएगा, हम जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं क्या चीज़ें कैसे हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, पहले जो वैकेंसी आनी थी वो लगभग 5000 से 6000 के बीच में आनी थी, हम कह सकते हैं 5000 आनी थी, लेकिन ये अभी 5000 की 10% लगभग 500 वैकेंसी आई है, तो ये सही नहीं है। अगर जो बात करें आगे और वैकेंसी आने के चांसेस के, तो ये वैकेंसी रिलीज कर दी है लेकिन आगे सीटें खाली हैं, तो चांस है कि आपका लगभग नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में कोई और नई वैकेंसी आ जाए, लेकिन अभी वो नहीं देखना। अभी मेन मोटो ये, अगर जो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये वैकेंसी मेन है कि आप 554 पोस्ट की वैकेंसी आ गई, आप इसके लिए लड़ाई करो। जिन लोगों को एसआई की तैयारी करनी थी वो एसएससी सीपीओ का फॉर्म डाल दे, उसमें दिल्ली पुलिस एसआई की वैकेंसी है। ठीक, एज की बात करें तो इसमें जो एज रखा गया 18 से 25 साल, छूट की बात करें ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि ओबीसी वाले 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, SC ST वाले के 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डेट तो आपको पता चल गया। यहाँ पर बात करें जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, अप्लीकेशन फ़ी भी ऑनलाइन ही जमा करना है, और देखेंगे यहाँ पर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं छूट वाली चीज़ें दी गई हैं, SC ST 5 साल, OBC के लिए 3 साल छूट मिलेगी। और यहाँ पे बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म, अब क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, 12th पास आपको होना चाहिए, 12th पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। और यहाँ पे देखेंगे प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ इंग्लिश टाइपिंग मांगा गया है। ठीक है, ये थोड़ी सी अजीब बात है, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, इसका मतलब ये है इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, आपको स्पीड भी बनानी पड़ेगी। ऐसा इंग्लिश है तो आप कर लोगे, ऐसा हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश है तो आप कर लोगे, अगर जो 1 महीने भी प्रैक्टिस करती है तो आपकी स्पीड बन जाएगी। उसके बाद या स्पीड इन हिंदी टाइपिंग, आप इंग्लिश वाला ही प्रिफर करो, ठीक है, या इसमें बोला है हिंदी स्पीड इन हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर 25 वर्ड, बहुत सारे लोगों का इंग्लिश वीक होता है, टाइपिंग हिंदी अच्छा कर लेते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे हिंदी में फ़ायदेमंद है। कुल मिला के आपको टाइपिंग आना चाहिए, ये चीज़ इसमें कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट बात करें फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की बात करें तो इसमें देख सकते हैं रेस जो है आपका 7 मिनट में आपको 1600 मीटर का रेस निकालना है। लॉन्ग जंप की बात करें तो 12.5 फीट है और हाई जंप की बात करें तो 3.5 फीट है। और आगे चलें इसमें फीमेल के लिए देखेंगे तो 5 मिनट में आपको 800 मीटर की रेस निकालनी है और लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट है, हाई जंप 3 फीट है। आगे चलें इसमें और चीज़ें हैं, हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर
और इसमें जो छूट का है 5 सेंटीमीटर आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है जो लोग छूट चाहते हैं, मतलब OBC SC ST, ठीक है। लेकिन हाइट इसमें बात करें मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर मांगा गया है। अब चेस्ट की बात करें 78 से 82, यानी कि इसमें देखें 4 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है। 78, 79, 80 कैसी वैसे, यानी कि 4 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। फीमेल के लिए हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी, और कुल मिला के वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी तो आ गई है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होगी आपको भी यहाँ पे सोचने पे मजबूर करता है कि आप वैकेंसी सोच के बेहतर है कि 5,000 वैकेंसी आएगी लेकिन सिर्फ 500 आई, ये थोड़ा सा हर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे फीस की बात करें तो 100 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है फॉर्म भरते समय। और बात करें तो और वैसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। अब एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम होगा जो रिटन टेस्ट 100 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और फिजिकल जो टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग होगा। टाइपिंग टेस्ट की बात करें 25 नंबर का होगा, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा जो फॉर्मेटिंग पता नहीं क्या होगा, ठीक है, इसमें मैं आगे बताऊंगा आपको क्या होता है, वो क्वालिफाइंग होगा। 125 नंबर का टोटल होगा, इसी पे आपकी पूरा मेरिट बनेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल लिस्ट जो आएगी, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो 4 पोर्शन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 पोर्शन से। एक तो जनरल अवेयरनेस का हो जहाँ से 20 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटी और एप्टीट्यूड जहाँ से 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश बेसिक वाली चीज़ें पूछी जाएंगी 25 क्वेश्चन, और कंप्यूटर फंडामेंटल से 10 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन टोटल 100 मार्क के, और 90 मिनट आपको टाइमिंग मिलेगी। तो ये सारी डिटेल थी आपकी, सिलेबस डिटेल में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्या सिलेबस है क्या डिटेल है और सारी जानकारी, ठीक है। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, आप इसमें कमेंट करके बताओ आप क्या चाहते हो, क्या वैकेंसी 5,000 आनी चाहिए थी, आखिर ये कम क्यों आई, आपके रीजन से क्या रीजन रहा इसका वैकेंसी का कम आने का। तो चलो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।